Hey guys, what's up? This is संजय चौहान, कैसे हो आप सब? Welcome to another vlog. तो आज के ब्लॉग में हम आए हैं पिन पार्वती, जो मेरा होम स्टे है. यहाँ बैठा है बिज्जू भाई और ये बॉन फायर की तैयारी में लगा है. तो दोस्तों माचिस किस मांग रहा है तू? तेरी जेब में देख, तेरे अपनी जेब में कर चेक, लाइटर है कि नहीं. सिगार ये क्या है? लीव खाता ना तू? बिजू भाई ने अभी एक नया नशा स्टार्ट किया है, गुटका. दोस्तों आज के ब्लॉग में आप सभी को दिखाएंगे क्या कुछ होता है. ये जस्ट एक नॉर्मल डे ब्लॉग बना रहा हूँ मैं. मेरा होम स्टे है, होम स्टे में गेस्ट चले रहते हैं, पता है आपको. तो आज भी हैं. तो आज इस ब्लॉग में आप जो भी देखोगे तो ऐसा समझ लेना कि वो मेरा एक नॉर्मल डे है, ठीक है? इट्स अ नॉर्मल डे ब्लॉग. तो मिलिए हमारे भाई से. अच्छा भैया जी, हाय कर दो पब्लिक को. आज वी आर अरेंजिंग अ बॉनफायर पार्टी. पर सुनिए, पीर वाले लकड़े वाले मेरे को लगता है इस धुएं से मेरा पिछले जन्म का रिश्ता, जहाँ भी मैं बैठता हूँ वही आता है. फिर आप सास के बड़े प्यारे हो गए हैं, साहब लगा लो. क्या हुआ? जिसको धुआं जाने करो वो सास का बड़ा प्यारा होता है बंदा. घर जमाई बनेगा तू? घर जमाई ये करता है, ऑफर मिल रहा है. घर जमाई बनेगा तू? भाई को बताऊंगा मैं बाद में स्टोरी. चल गई है? नहीं भाई, ये नहीं चलेगी भाई. एकदम से ये बुझेगी ना, ये सूख जाएगी सारी एकदम से. पता क्या, बंदू का फन नहीं खराब होना चाहिए बीच में. इसको भी जला रहे हैं, थोड़ा ये चलना चाहिएगा प्रोसेस ना दोस्तों. ये तो दोस्तों बॉन फायर पार्टी हमारा रोज का काम है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक नॉर्मल डे ब्लॉग है. डे तो नहीं रहा, अब इवनिंग हो गई है, देख सकते हैं आप, रात हो गई है. ये मेरे लिए नॉर्मल है, पर जो लोग कभी कभार करते हैं या काफी टाइम बाद बॉन फायर पार्टी करते हैं तो उन्हें काफी मजा आता है. तो अभी हम चलेंगे अंदर, मेरे मम्मी पापा से मिलाते हैं आपको. सो गाइस, दिस इज माय डैड एंड दिस इज माय मॉम. हेलो. ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं, ये स्पेशली डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट के लिए है, गेस्ट्स के लिए अवेलेबल कराया है. और यहाँ पे पूरा विला आज बुक है. तो आग जल के तैयार हो चुकी है, यस. और मेरे पैर बहुत ठंडे हैं, ऐसे क्लिपों में मत होए. हैव यू लॉस्ट इट मैन? दोस्तों भाई जी का मैंने बाइक ठोक दिया दो दिन पहले. दो दिन नहीं, पिछले कल. पिछले कल ठोका है ना. तो मैं आपको दिखाना चाहता था पर अभी मैं दिखा नहीं सकता. क्योंकि वो असल में नहीं, मेरी गलती थी यार, वो थी गुन्नू की गलती. बाइक की गलती थी वो, बाइक की नहीं थी, गुन्नू की गलती थी वो. जो मेरा डॉगी, वो मैं बाइक चला रहा था और वो बिल्कुल सामने आ गया एकदम से, और मैंने फ्रंट वाली ब्रेक मारी और मैं गिर गया. बाइक का इंडिकेटर मैं तोड़ चुका हूँ, पर जब मैंने भाई जी को बताया कि भाई जी यार तेरा बाइक ठोक दिया है मैंने और इंडिकेटर टूट गया है, इसने मेरे को लगा डांटेगा, पर इसका रिप्लाई पता क्या था? चल हो गया, तोड़ दिया तो नहीं क्या कर सकते हैं. फिर चला गया ये. पर सच बताऊँ, इसका मेरे को ना डांटना ज़्यादा हट कर गया वो बोलने से, समझ रहे हो ना तुम? एक मिनट यार, मेरे को लग रहा है यहाँ लाइट्स ऑफ है कि क्या. नहीं, लाइट्स तो ऑन है. ये कम है क्या? ये वाली तो जल नहीं रही है. ये वाली कैसे जलेंगी? ये भी नहीं जल रही है. तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैंने कहाँ ठोका बाइक. अरे ये तो जोड़ दिया है यहाँ पे, ये जो है ये वाला स्क्रैच, ये मेरी वो है, मेरी मेहरबानी. अब नहीं देगा भाई ये टच भी करने. सुनो ये वाली लाइट क्यों नहीं जल रही? ये वाली, ये हो गई अभी पानी से खराब. तो संजू ने क्या कर दिया है? यहाँ देख, इधर से मोटे से ही एंगल से लाई. ये क्या हो गया? जोड़ दिया है यार. अच्छा जोड़.
तो गाइज अब मैं कैमरा पास कर रहा हूँ विजय चौहान के पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो अभी अभी मैं आग जला कर आ चुका हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल पूछते हैं मेरे से कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाता हूँ। अब इस ब्लॉग को देखो समझ आओगे। पता क्यों नहीं बनाता ये आलसी है। मैं बोलता हूँ इसको चल बीजू भाई वीडियो बनाते हैं, ये बोलता है अरे मैं सो रहा हूँ। आलसी नहीं हूँ मैं, मेरे को नहीं आता भाई, आलसी है भाई, बोर हो जाते लोग। अच्छा एक बात बता मेरे को, जब तू बनाएगा तब सीखेगा ना है? तुम बताओ गाइज अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कमेंट में मेरे को गलत प्रूफ करो। जब कोशिश करोगे बॉन फायर आगे। अच्छा बॉन फायर करो, किल मी। क्या बात क्या इसमें डालना है? अच्छा ताकि नीचे ओ ना हो ना, थोड़ा एंजॉय के लिए अब हम ऊपर सिस्टम एडजस्ट कर रहे हैं। अब हम मजा लेंगे पूरा पूरा मजा भाई, पूरा मजा। तुम उसे आड़ा बजेगा पूरा नाइट, फुल नाइट एक बारी हो। अपना फोन दे कनेक्ट करना। अरे इधर क्यों? मेरा अपना हाथ खराब, उनके भी उन्हीं के फोन से टच करवा लेना। मेरा फोन ये बियर लगते हैं। ये हमारा मेहनती गाय, गाय गाय इंसान, ये गाइस बिजनेसमैन, ये गाइस बिजनेसमैन बहुत गाय इंसान है ये गधा। दोस्तों कमेंट करके बताओ क्या मैं सच में बोरिंग हूँ? अभी अभी संजू ने मेरे को बोला तू बहुत बोरिंग है। मैं बोरिंग हूँ क्या? मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? मेरा प्यार काफी नहीं था? परे मिला एक बंदा ना भाई साका। आजा आजा आजा, खेलना तूने, खेलना तूने, खेलना खेलना, आजा। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन देखा मैंने, गधा कुत्ते के साथ खेल रहा था। इधर आ जा रहा कुत्तू दबी दोनों को पानी देते हो नेचर पी नेचर पी कैप्चर्ड। अब हम इसको वायरल कर देंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ एस्थेटिक शॉट्स दिखाऊंगा, तो एंजॉय। तो गाइस पार्टी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, भूख तो अब मेरे को भी आ रही है, तो मैं भी कुछ खा लेता हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, पहले कुछ खा लेते हैं। संजू आया था खाना खाने पर हमें भेज दिया है बाजार मिनरल वाटर की बॉटल्स लेने के लिए, तो बड़ा दुख है यार। ये कोशिश कर रहा है तू यार, सही में तू मत किया कर ब्लॉगिंग भाई, छोड़ दे तू। बोला था तेरे को दिक्कत है 100 रुपए है इसको, मैंने डायलॉग्स बताए बस इतना बोलना है तूने। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं स्लो बोलता हूं यार, मैं बोलता हूं स्लो यार, क्योंकि स्लो एंड स्टडी ट्विंस कर यार बैक। और यहां पे है जिस काम के लिए हम गए थे वो हो गया है, तो मैं कर दूंगा बंद जादू, गेट बंद। तो मेरे को लगता है जब हम गए थे उसके बाद ये लोग डिनर कर चुके हैं, अब खाएगा वो नहीं खाएगा, तो मैं ले जाता हूँ इसको खोपचे में। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कितनी भूख आ रही है मेरे को, और खा जाऊँगा मैं इसको। अब तो मैंने खाना भी खा लिया और वो लोग अभी भी उधर बैठे ही हैं, देख सकते हो तुम लोग। और ये गेट से ये जो हैं ये
अनदर गेस्ट। तो गाइस अभी इस बंदे का बर्थडे भी है, ठीक है, तो इसके बर्थडे में क्या प्लान है फिर? कितनी बोतल पिला रहा है तू? कौन सी बोतल पिएगा अपन? हॉकाई? नहीं, मैं अपने बर्थडे पे दारू नहीं पिलाता। ये पीता है और नहीं पीता हूँ मैं। अपने जन्मदिन पे जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मैं लोगों को मौत दूँ, ये नहीं रहता ना। क्यों फिर आप क्या प्लान है? मैं अपने, मेरा बर्थडे है इसलिए मैं अपने लिए सेल्फिश होके सोचूंगा। मैं सुबह सोऊंगा और शाम को उठूंगा और शाम को उठ के केक काटूंगा फिर से सो जाऊंगा। परसों है इसका बर्थडे, 23 जून को। तो ऐसा है कि मैंने सोचा था कि यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अभी हमें देखो छुट्टियां ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है। ये MBA कर रहा है मैं बी फार्मेसी, तो छुट्टियां बड़ी मुश्किल से पड़ती है, घर बड़ी मुश्किल से आना होता है हमारा। तो बर्थडे सेलिब्रेट भी घर पे ही करेंगे, तो उसका भी ब्लॉग बनेगा, बिजू भाई का बर्थडे, बिजू वो भी देखेंगे, बिजू भाई। तो गाइस अभी वो लोग बाहर डिनर कर रहे हैं, बहुत थक चुका हूँ मैं, काफ़ी मज़े किए हमने, पर हर एक चीज़ शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज का ब्लॉग। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, जो कि बिजू भाई के बर्थडे का होगा, ठीक है।